दोस्तों, आप सभी को आमिर खान की फिल्म गजनी तो याद ही होगी। इस फिल्म में आमिर खान एक अजब गजब रूप में देखने को मिले थे। इस फिल्म ने उस टाइम करोड़ों की कमाई की थी, तो वहीं इस फिल्म में आमिर खान का एक अलग रोल होने के कारण दर्शकों ने इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया था। इस फिल्म में असिन आमिर खान के अपोजिट नजर आई थी, जिसके बाद असिन के करियर ने एक नई उड़ान भरी। इस फिल्म के जरिए असिन को एक पहचान मिली। इसके बाद दर्शकों ने इनको हर फिल्म में अपना भरपूर प्यार दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं गजनी मूवी की एक्ट्रेस आज कहाँ है, क्या करती है, कैसे दिखती है? ये सभी बातें जानने के लिए आप हमारे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, और गजनी मूवी में आमिर खान के शानदार अभिनय के लिए आप हमारे वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, गजनी मूवी में आमिर खान की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम असिन है। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1985 को केरल में हुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की। उन्होंने 15 साल की उम्र में साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म नरेंद्रन, मकान, जयकांथन, वाका में काम किया। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि असिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा जाना माना नाम है। उन्होंने साउथ फिल्मों में खास पहचान बना रखी है। उन्होंने साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, तो वहीं उन्होंने बॉलीवुड में 2005 में आई फिल्म गजनी से अपना डेब्यू किया, जिसमें वो आमिर खान के अपोजिट नजर आई। इस फिल्म में दर्शकों ने असिन को काफी ज्यादा पसंद किया, और इस फिल्म के बाद उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी 786 और सलमान खान के साथ रेडी फिल्म में काम किया, तो वहीं ये अभिषेक बच्चन के साथ बोल बच्चन जैसी फिल्म में नजर आई। साउथ और बॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमाने के बाद इन्होंने बॉलीवुड करियर के दौरान ही बिजनेसमैन राहुल शर्मा से शादी कर ली। राहुल शर्मा ने इनको सगाई में 20 कैरेट की सोलिटेयर रिंग पहनाई थी, जो उस वक्त काफी चर्चा में रही। असिन ने शादी के बाद बॉलीवुड को छोड़ना ही बेहतर समझा और अपने पति का बिजनेस संभालने लग गई। बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली असिन ने 24 अक्टूबर 2017 को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, और फिलहाल उनका बॉलीवुड में आने का कोई इरादा नहीं है। वो अपने घर और बिजनेस में इतनी बिजी है कि उनको फिर से बॉलीवुड में शायद कोई ना देख पाए। इनकी शादी से इनके बॉलीवुड करियर पर तो असर पड़ा, लेकिन इनकी खूबसूरती पर इनकी शादी का कोई असर नहीं हुआ। आज भी काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट दिखती हैं, जैसा कि आप इनकी आज की तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को असिन की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।